Hello student, good morning, and today's study about the type of triangles and their angles and their properties. तो आज हम लोग स्टूडेंट मतलब कि ट्रेंगल और एंगल और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे. तो ये क्वेश्चन जो है आपका, यह दिए ट्रेंगल दिया हुआ आपका. अब ट्रेंगल जो है इसके टाइप नहीं बता, एक ट्रेंगल है आपका, एक त्रिभुज है ट्रेंगल्स. यहाँ पर दिया आपका एक एंगल दिया, यह एक्सटीरियर एंगल है, बाहर एंगल ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पर एक्स का मान पूछ रहा है, इंटीरियर एंगल के मान पूछ रहा है. तो यहाँ पर देखिए, यह हम जानते हैं कि यह एक्सटीरियर एंगल है, तो यह 120 है, 120, तो यह कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से. लीनियर पेयर से यह हो जाएगा आपका, लीनियर पेयर से जब हम लेंगे इसको, लीनियर पेयर तो एक लाइन भी ले लेंगे, ये लाइन है तो लीनियर पेयर बनेगा यहाँ पर. तो यहाँ से 120 होगा तो यह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 180 हो जाता है. ओके, उसके बाद यहाँ से भी एक लाइन हुआ, अभी एक लाइन है आपका. लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से ये हो जाएगा तो यह 110 है, तो यह हो जाएगा 70. अब क्या करेंगे, यहाँ पर यह 70 हो गया और यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर x हो गया, तो एक एंगल ट्रेंगल बन रहा है ए बी सी. तो ट्रेंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल आपका हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180. तो यहाँ पर हो जाएगा 70 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180. तो एक्स के मान हो जाएगा 180 में से ये माइनस हो जाएगा 130, तो एक्स के मान हो जाएगा आपका 50. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.